क्वेश्चंस होते हैं, उन 90 क्वेश्चंस को कितना टाइम आप देते हो? 45 मिनट्स एग्जैक्टली. पहले 90 क्वेश्चन 45 मिनट्स में होने चाहिए, उसके बाद केमिस्ट्री में जो आपके क्वेश्चंस है ना 45 क्वेश्चंस, वो होने चाहिए कितने टाइम में? 30-40 मिनट्स में होने चाहिए. इसका मतलब लास्ट तक जब आप पहुंचोगे ना, जिस बच्चे को फिजिक्स के लिए 1 घंटा 15 मिनट टाइम बचाना आता है वही सिलेक्ट होता है. आपको बेटा समझ में आ रहा है? तो फिजिक्स के लिए टाइम बचाना सीखो. जो अभी आप ये टेस्ट सीरीज दे रहे हो CTS प्रोग्राम, समझ आ रहा है ना, इसको आप यूज करो टू लर्न हाउ टू सेव टाइम फॉर विच पेपर? फिजिक्स पेपर. फिजिक्स पेपर के लिए मिनिमम आप लोगों को 1 घंटा 15 मिनट बचाना है. जब आप 1 घंटा 15 मिनट बचाओगे तब आप क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर पाओगे ना कि कौन सा आसान है, कौन सा आपको आएगा, कौन सा आपको नहीं आएगा. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ोगे, उस पर सोचोगे कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है. ये कब करोगे? जब टाइम होगा. आप लोग कभी फिजिक्स पेपर तक पहुंचते ही नहीं हो, फिर आपकी शिकायत रहती है कि हमें फिजिक्स आती ही नहीं है. बेटा टाइम तो देना है ना पहले. आप समझ रहे हो मैं क्या? और हम आप लोगों के लिए कौन चाहता है कि ऑनलाइन एक रिवीजन कोर्स हो जाए? सब चाहते हैं ना. तो हम इंशाल्लाह रहमान 15th of Feb से हम एक ऑनलाइन रिवीजन कोर्स स्टार्ट करेंगे. समझ आ रहा है? जिसमें फिजिक्स के 1200 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे. समझ आ रहा है? ऑल 20 चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, थ्योरी भी होगा, क्वेश्चंस भी होगा. 1200 क्वेश्चंस 15 फेब से हम स्टार्ट करेंगे. इसी तरह केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस होंगे और बायोलॉजी के भी. समझ आ रहा है? तो अगर आप लोगों को क्विक रिविजन चाहिए होंगे, आप वो रिविजन कोर्स जो है हमारी जो चैनल है स्काई यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करके रखो. समझ आ रहा है? तो इट विल बी अ फ्री ऑनलाइन कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, एक मिनट बेटा, एक मिनट देखिए. देखिए बेटा, हम बस चुप कीजिए. हम बेटा 15 से 35 दिन का एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. हर दिन 2 चैप्टर्स लगेंगे, फिजिक्स का 1, बॉटनी का 1, केमिस्ट्री का 1 और जूलॉजी का 1. मगर एक दिन खाली 2 चैप्टर्स रहेंगे बस. तो उसमें हम क्या करेंगे बेटा, इंशाल्लाह क्वेश्चन जो होंगे, मैं अपनी बायोलॉजी का कहूंगा, फिजिक्स वाले अपना कहेंगे, तो मैं बायोलॉजी का कहूंगा आपको कि 1200 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी वाले और जूलॉजी मैं खुद सारा लूंगा. तो इंशाल्लाह बेटा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जैसे पिछले साल हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, कि आपका बेटा उसमें बहुत सारे मसले हल होंगे. वो क्वेश्चंस ऐसे मेटिकुलसली डिजाइन किए गए होंगे कि आपका बेटा मसला पूरा हल होगा. मगर अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन 3 महीने अब आपके पास है, स्ट्रेटजीज क्या रहेगी? बेटा हर कोई टेस्ट सीरीज बराबर दे, क्योंकि जो आपने, मैंने कल भी कहा, कल भी मैं एक लेक्चर में बोल रहा था कि बहुत सारे बच्चे इस टाइम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं. जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं, जब वो ऑफलाइन में आते हैं, अचानक बेटा नीट के एग्जाम में बेटा पार्टिसिपेट करते हैं, उनके कम से कम 60-70 मार्क्स डिप हो जाते हैं. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस टाइम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए, क्योंकि उसमें आपको बेटा बराबर टेस्ट आता है नीट का. क्योंकि जितना आपको नीट की फील आएगी, उतना बेटा आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाएगा, उतना आप बहुत आगे बढ़ पाओगे. तो इसलिए मेहरबानी करके टेस्ट सीरीज जो है उसको बेटा इस तरीके से हर संडे लीजिएगा, जैसे आपका हर दिन हर संडे एक नया नीट चल रहा है. उसके बाद जो लड़के इस टाइम यहां पर मेरे साथ सुन रहे हैं, 500 नंबर पे बेटा, या 550 नंबर पे अपना स्कोर रखिए, बराबर 550. और लड़कियां इस टाइम जो अपना स्कोर रख रही है 500 के बेटा 500 पे स्कोर रखिए. और हर किसी एग्जाम में 10-10, 20-20 मार्क्स का बेटा इजाफा कीजिए, क्योंकि जितना आपने 10 या 20 मार्क, ज्यादा नहीं, मैं नहीं कहूंगा 50, 60, 100, ना, आप 10-10 मार्क्स का बेटा मार्जिन इंक्रीज करते जाओ हर किसी टेस्ट सीरीज में. मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जो लड़का यहां पे इस टाइम 500 या 550 के ऊपर जा रहा है, और फिर हर किसी टेस्ट सीरीज में 10-10 मार्क्स का इंक्रीज कर रहा है, या लड़की 500 से जा रही है, फिर हर किसी एग्जाम में 10-10 मार्क्स एड कर रही है, उसको बेटा इंशाल्लाह नीट के दिन कोई नहीं रोक सकता है, उसकी सिलेक्शन तय. और हर दिन बेटा अपना सिलेबस सवेरे डिजाइन कीजिएगा. और आप आमतौर एक बहुत बड़ी गलती एंड पे करते हो, बस बेटा या तो फिजिक्स के पीछे भागोगे, केमिस्ट्री पी के पीछे भागोगे, या बायो के. जो आपके बैकलॉग्स है लगभग अब सारे खत्म है, अब आप रिवीजन पे चल रहे हो. तो हर दिन बेटा जब आप सवेरे उठते हो, अपना टाइम टेबल जो है वो बराबर 11 घंटे का डिजाइन करो, जिसमें 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री और 3 घंटे बेटा बायो रखा करो.
और एक घंटा बेटा रिवीजन के लिए हर दिन रखा करो, जो आपने दिन में पढ़ा वो रिवाइज होना चाहिए। उसके बाद जब आप बेटा पहले दिन कुछ चीज पढ़ते हो, सपोज आज उसका रिवीजन नहीं करना है, मैंने आज कुछ चीज पढ़ा, दूसरे दिन उसका रिवीजन करना है। और बेटा संडे को आप जब यहां से जाते हो फिर आप टेस्ट सीरीज को देखते हो ना, फिर आप संडे को बेटा जो आपके 3-4 घंटे आते हैं उसमें आप एक हफ्ते का पूरा रिवाइज करो जो आपने बेटा किया था। तो जितने आपके रिवीजन ज्यादा होंगे, जितना आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, जितने आप क्वेश्चन ज्यादा इस टाइम करोगे, वो बेटा आपके लिए बहुत अच्छा है। और कुछ बच्चे इतने बेवकूफी इस टाइम करते हैं, वो क्या करते हैं, और उसको कोई दोस्त कहता है कि आज नई ऑब्जेक्टिव बुक मार्केट में आई है, चलो उसको खरीदो और पढ़ो, पागल है। और आमतौर ऑनलाइन पे आप बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर देखते हो, सपोज आपको EMI है, AC है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोई चैप्टर चल रहा है, तो आप ऑनलाइन में भी 3-4 टीचर्स को फॉलो करते हो, बेटा आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो किसी टीचर से 100% कभी सेटिस्फाई होता नहीं है। मगर जिस टीचर को भी आपने फॉलो किया, चाहे वो ऑनलाइन पे हो या ऑफलाइन पे हो, जिसके नोट्स आपके पास है, बस उसी का रिवाइज करते जाइए। खाल खींचिए बेटा इन ऑब्जेक्टिव्स के, हर दिन कम से कम बेटा 40 क्वेश्चंस आप एंड पे कीजिएगा, क्योंकि जितना आप इस टाइम क्वेश्चन बेटा खुद डिजाइन करोगे, सपोज आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10, बॉटनी के 10 और जूलॉजी के 10 क्वेश्चंस हर दिन कीजिए। 7 मिनट तो 40 मिनट बेटा आपको हर दिन अपना टाइम देना पड़ेगा इन ऑब्जेक्टिव्स को। अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इस अगर हम यहां पर मजमा देखेंगे, लगभग बेटा 600-700 बच्चे, 800 बच्चे बैठे हैं, मैं आपको वसूक के साथ बोलूंगा 800 बच्चे में 400 बच्चे ऐसे होंगे जिनका ना कोई बैकलॉग होगा, जिनकी अप टू डेट बेटा प्रिपरेशन होगी। पर दिल पे हाथ रखिए, 400 में कितने बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे? 400 कभी नहीं, प्रोबेबिलिटी को इजाजत ही नहीं देती है, मच पॉसिबल। 400 में वही बच्चे बेटा क्वालिफाई करेंगे जिनकी टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन हो। अल्लाह की कसम नीट कुछ नहीं है बेटा, ये है नीट, थू ये नीट है, मगर किन के लिए बेटा? जिनकी मैनेजमेंट है, जिनका टाइम मैनेजमेंट है, उनके लिए थू के बराबर है। मगर जिनकी टाइम मैनेजमेंट नहीं है उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा। सो बेटा मेहरबानी करके अपना टाइम टेबल हर दिन डिजाइन करो, सवेरे लिखो कि आज मुझे ये पढ़ना है, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, बॉटनी में ये, जूलॉजी में, और जब शाम को असाइनमेंट कंप्लीट होगी तो फिर कॉपी पे लिखना उस पेज पे टिक, वेरी गुड, वेल डन, आई हैव डन इट। और आप देखो बेटा आप कभी डिप्रेशन में आओगे ही नहीं, 100% डिप्रेशन में नहीं आओगे, बस मेहनत कीजिए। तो हम इंशाल्लाह, मेरे साथ बोलिएगा, सारे बोलिएगा, हम इस साल कामयाब हो जाएंगे, हम अपना सपना पूरा करेंगे और अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। बस बेटा इसके लिए जियो, बाकी सारा कुछ चैनल क्या है? हाँ, इनको पता है ना बेटा। देखिए बेटा हमारी चैनल पे जो ये सीधे वो ऑनलाइन बेटा ये होगा, तो फ्री है, इसमें तो आपको पता ही है। फिनिशिंग टच सीरीज जो है 0.3 तीसरा सीजन चलेगा उसका, तो इंशाल्लाह बेटा हमने पुराने सीजन में प्रूव करके दिखाया कि उसमें कितने क्वेश्चन आए थे। इस साल भी बेटा बहुत अच्छे टीचर्स आपके साथ जुड़ेंगे और वो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ वो जुड़ेंगे। स्काई क्लासेस हमारी यूट्यूब चैनल है, उसको आप वक्त तो पानी खतर सारे पोपा अपने लिए जोर से और अपने माँ बाप के लिए जिन्होंने आपको बेटा यहाँ तक पाल पोस के बड़ा किया, और अब उनकी उम्मीद है बेटा आपके हाथ में, उनके सपने आपके हाथ में। इंशाल्लाह आप सबको कामयाब अल्लाह करे। सलाम अलैकुम।